जी टीवी का सिंगिंग रियलिटी शो सारेगामा पा लिटिल चैंप्स का ग्रैंड फिनाले 11 अक्टूबर को है, जिस दिन सारेगामा पा का कोई एक लिटिल चैंप विनर बनेगा। जी हाँ, और दोस्तों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दो ऐसे लिटिल चैंप्स की चर्चा ज्यादा हो रही है जिनमें से कोई एक विनर बनेगा। लिटिल चैंप आर्यनंदा आरबाबू और जेत अली। आपको बता दें कि दोनों ही सिंगर कमाल के गाते हैं और अपनी शानदार गायकी से सभी का दिल जीता है। जी हाँ, जहाँ आर्यनंदा की सुरीली आवाज पर हर कोई फिदा हो जाता है, वहीं कंटेस्टेंट जेत अली की मेच्योर सिंगिंग सभी का दिल जीत रही है। बता दें कि कंटेस्टेंट जेत अली को जूनियर राहत फतेहअली खान बोला जाता है। जेत शो के मंच पर कई सूफी सॉन्ग्स पर अपनी शानदार प्रस्तुति दे चुकी हैं। जनता का प्यार भी जेत अली को खूब मिल रहा है। वैसे तो जेत अली कई रियलिटी शोज में पार्टिसिपेट कर चुकी हैं, लेकिन उनका विनर बनने का सपना अभी तक पूरा नहीं हुआ है। तो क्या जेत अली सारेगामा पा सीजन 2020 को जीत कर अपने सपनों को पूरा करेंगे? वहीं कंटेस्टेंट आर्यनंदा आरबाबू तो आजकल जमकर सुर्खियों में हैं। सोशल मीडिया पर इन्हीं के चर्चे हैं। आज पूरे इंडिया को पता है कि आर्यनंदा आरबाबू कैसा गाती है। और दोस्तों आर्यनंदा की सुरीली आवाज अब जेत अली पर भी भारी पड़ रही है। जी हाँ, क्योंकि लास्ट वीकेंड की वोटिंग के मुताबिक आर्यनंदा नंबर वन की पोजीशन पर रही थी, जबकि जेत अली नंबर थ्री की पोजीशन पर। जी हाँ, आर्यनंदा के विनर बनने के पूरे चांसेस हैं। वोटिंग के मामले में जेत और आर्यनंदा के लिए यह हफ्ता भी बेहद ही खास है, और देखना यह है कि इस हफ्ते किस कंटेस्टेंट्स को जनता ज्यादा से ज्यादा वोट करती है और 11 अक्टूबर के दिन कौन सा कंटेस्टेंट सारेगामा पा सीजन 2020 को जीतकर अपने सपने पूरे करेगा।